गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ हम अपनी स्किन को नेचुरल वे से हेल्दी एंड फेयर कैसे रखें। सो गाइस, आजकल सब लोग चाहते हैं अपनी स्किन को फेयर करना और सब लोग चाहते हैं कि अपनी स्किन हमारी स्किन सबसे ज़्यादा फेयर दिखे। पर गाइस, नेचुरल वे से हम स्किन को फेयर रख सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस जेल यूज़ करते हैं जो कि उस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। पर क्या गाइस, नेचुरल वे से हम ऐसे कुछ होम रेमेडीज जो ट्राई कर सकते हैं जो अपने स्किन को ब्राइट एंड फेयर बना जाए। सो गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज जो कि आपको आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही इफेक्टिव है। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है या फिर आप नेचुरली डार्क कलर के हो और आपकी स्किन इंस्टेंटली ब्राइट और फेयर होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप फेयर थे और आप किसी ना किसी वजह से, किसी प्रोडक्ट की वजह या धूप की वजह से आपकी स्किन डल हो गई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकती है। वो ग्लो अगर कहीं खो गया है, पहले जैसे आपकी ग्लो अगर कहीं खो गया है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होम रेमेडीज जो आपको स्किन को नेचुरली फेयर बनाएगा, और ये जो भी स्किन लाइटनिंग के होम रेमेडीज मैं बता रही हूँ वो बहुत ही नेचुरल है। मैं आपके आपके स्किन में से टैन पिगमेंटेशन को दूर करता है और साथ साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। सो गाइस, बिना कुछ देर किए मैं आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। सो लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। फेस पैक है वो टर्मरिक फेस पैक है। टर्मरिक इज ए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर फेयर स्किन। टर्मरिक हमारे स्किन में जादू की तरह ग्लो लाएगा और बहुत ही फेयर बनाएगा। आपके किचन में इजीली आपको हल्दी मिल जाएगी। सो गाइस, अब देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। आपको 3 चम्मच लाइम जूस लेना है एंड देन आप यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक ठीक सा पेस्ट बना लें। लाइम जूस में विटामिन सी होता है जो आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पेस्ट अच्छे से रेडी होने के बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करें। फेस पे अप्लाई करते टाइम इस बात का आप ध्यान रखें कि ये पैक आपके कपड़ों पे ना लगे। फेस पे अप्लाई होने के बाद 15 मिनट्स वेट करना है, फिर आप अपने फेस को कोल्ड वाटर से वॉश कर लें। तो गाइस, हमारा सेकंड फेस मास्क है जो है पपाया फेस मास्क। पपाया हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड साथ ही साथ हमारे स्किन को नरिश भी करता है। पपाया में विटामिन सी भी होता है और विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सो गाइस, अब देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। पपाया को आप इस तरह से स्लाइस कर ले, फिर उसके बाद आप इसे ब्लेंड करके एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाए। अप्लाई करें अपने स्किन पे, फिर इसे 20 मिनट तक रखें। 20 मिनट छूने के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। बेसन का फेस मास्क। बेसन आपकी स्किन में बहुत ज्यादा निखार लाता है। बेसन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड साथ ही साथ बिना किसी इरिटेशन के अपने डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्रेश लुक देता है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देखते हैं। आपको 2 चम्मच बेसन लेना है। आप चाहे तो ये अपने हैंड्स, लेग्स, नेक, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आप बेसन लें और उस अकॉर्डिंग आप इसमें वाटर ऐड करें। इसका एक ठीक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लें। देन आप अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करें। फिर ये अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये अच्छे से जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक अपने फेस पे रखें। ड्राई होने के बाद आप फेस और नेक को वार्म वाटर से वॉश कर लें। टमाटर का फेस पैक। टमाटर में लाइकोपिन होता है जो आपके स्किन को धूप के किरणों से बचाता है, सन टैन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। टमाटर एक बेस्ट इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है। तो इसे बनाना कैसा है चलिए देखिए। एक टमाटर का इस तरह पेस्ट बना लें, फिर इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड करें। फिर इस दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्मूथ सा पेस्ट बनाएं, फिर अपने फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करें। अगर आप इस रेमेडी को एवरीडे यूज करते हैं नहाने से पहले तो आपका ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट एंड बहुत ही लाइटनिंग स्किन हो जाएगी। फेस पैक अप्लाई करने के बाद आप इसे 20 मिनट्स रहने दें, फिर 20 मिनट्स के बाद आप इसे कोल्ड वाटर से वॉश करें। कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर हमारे
गैस बुझाने के लिए बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कोकोनट वाटर में ऐसे ब्यूटी बेनिफिट्स होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो भी हमारे लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। कोकोनट वाटर में एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट वाटर आपके स्किन को लाइटनिंग बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप डेली अपने फेस पे दो बार इसे अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट नेचुरली फेयर एंड ग्लोइंग स्किन। आप एक बॉल में कोकोनट वाटर को निकालें, आप उस अकॉर्डिंग निकालें आपको जितना चाहिए आप अपने फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट वाटर निकालने के बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करें एक कॉटन के हेल्प से, डैप डैप करके। फिर इसे आप 15 मिनट्स तक रखें, फिर वॉश कर दें। इसे आप डेली दो बार यूज करें तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। तो गाइस ये वाला फेस पैक लास्ट है और जो है फ्रूट फेस पैक मेरा फेवरेट वाला फेस पैक है। इसे अपने फेस पे लगाने के बाद बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस आपको क्या करना है, बहुत सारे फ्रूट मिक्स करना है, उसे ब्लेंड करना है। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो फ्रूट्स लिया है, एक कुकुम्बर एंड पपाया। आप चाहे तो और भी फ्रूट्स का फेस पैक बना सकते हैं। फ्रूट्स को अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करें। ये बहुत ही पतला सा फेस पैक बन के रेडी हो गया है। फिर आप इसे अपने फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करें। फिर इसे आप 20 मिनट्स तक छोड़ दें। 20 मिनट्स होने के बाद आप इसे वार्म वाटर से वॉश कर एंड टॉवल से पैट ड्राई कर ले। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। एंड मैंने आपके साथ बहुत सारे फेस पैक शेयर किया है तो आप एक लाइक तो जरूर दे सकते हैं। प्लीज सपोर्टिंग मी बाय शेयरिंग वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।